चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन अपने चेक भी करते जाओ और मैच भी करते जाओ, और गलत है तो सही करते जाओ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हैविंग जीरोस माइनस थ्री एंड फोर। अगर आपके पास दो जीरोज हैं इसमें तो डिग्री क्या होगी पॉलीनोमियल की? अगर दो जीरोज हैं तो डिग्री क्या होगी? टू। तो इसका आंसर डिग्री टू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ए। क्वेश्चन टू में बेटा, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें क्या बोला हुआ है? इसका एक जीरो, टू है आपका। तो टू अगर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है, मतलब हम अगर एक्स की वैल्यू टू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? ये पूरा इक्वल्स टू जीरो। उससे आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? ये वन नाइन्थ में भी किया हुआ है आप लोगों ने। सो टू का स्क्वायर फोर प्लस सिक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। सो के इक्वल्स टू माइनस टेन। टेन इधर बन गया, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन थ्री बेटा, इफ वन इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू, अगेन इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब इसमें बोला है वन इसका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। क्लियर? वैसे क्वाड्रेटिक में कितने जीरोज होते हैं? टू, बट एक जीरो हमें दिया हुआ है तो वन हम यहां पे पुट कर देंगे। अगर वन इसका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है, इट मींस कि जब हम वन इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल का मीनिंग सबको क्लियर है? ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। सो ए इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स की जगह वन पुट करना है बेटा हमें, देखो। ठीक है, हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं? एक्स की। ए की हमें निकालनी है क्वेश्चन में। सो ए इंटू वन का स्क्वायर, पहले वन का स्क्वायर सॉल्व किया, क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर? वन, वन इंटू ए ए माइनस थ्री, पहले थ्री इंटू वन कर दिया, थ्री रहेगा, और इंटू ए माइनस वन, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे सॉल्व। माइनस वन पीछे इक्वल्स टू जीरो। अब ये ब्रैकेट भी ओपन किया हमने, तो माइनस थ्री इंटू ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब ए माइनस थ्री ए क्या हो जाएगा आपका? माइनस टू ए प्लस थ्री माइनस टू टू इक्वल्स टू जीरो। अब टू उधर शिफ्ट हुआ तो माइनस टू हो जाएगा। क्लियर? देन ए इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन माइनस टू, कट जाएगा तो क्या जाएगा? वन। सो ए इक्वल्स टू वन आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन में। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला। बी सेकंड क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही था? बी। क्लियर? मैच करते जाओ अपने बेटा ये। नाउ क्वेश्चन फोर्थ में आपको क्या गिवन है? अगेन वन ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज माइनस थ्री। सो आपके पास पॉलीनोमियल क्या है? के माइनस वन का, के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपका पॉलीनोमियल गिवन है और इसका वन जीरो माइनस थ्री है। माइनस थ्री मतलब इसका जीरो है। अगेन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल का मतलब कि जब हम इसमें एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो ये इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा ये सॉल्व आप सबका, इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस थ्री प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। सो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, तो नाइन से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा? नाइन के माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। नंबर को नंबर में सॉल्व करना है, वेरिएबल वेरिएबल में। सो नाइन के माइनस थ्री के कितना हो गया? सिक्स के। माइनस नाइन प्लस वन, प्लस का माइनस का? माइनस का, क्योंकि जो नंबर बड़ा है वो साइन आएगा। क्लियर? अब माइनस एट इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा साइन? प्लस एट। क्लियर यहां तक? सो के इक्वल्स टू एट बाय सिक्स, यानी कि फोर बाय थ्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव। अब फाइव टू टेन में आपका यहां पे ग्राफ के बेसिस पे आपको बताना है, फाइव टू नाइन वाले क्वेश्चंस में। तो पहले तो व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी। अब ई एफ जी आपका ऐसा है बेटा,
एफ जी ग्राफ में जब देखोगे ऐसे टाइप का बन रहा है, क्लियर? तो कौन सा शेप है आपका? पैराबोला। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाते हो तो वो पैराबोलिक शेप में बनता है, क्योंकि उसके दो जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो जीरोज हैं। क्लियर हो गया? तो शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पैराबोला। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें? ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन सिक्स बेटा, इसी के बेसिस पे, इफ द कर्व ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइनोमियल, आपको पॉइनोमियल दिया हुआ है, माइनस बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, क्लियर? देन इट्स जीरो जार। तो देखो माइनस तो आपका बाहर ही है बेटा, क्लियर? आपको क्या करना है, इसी को अगेन स्प्लिटिंग द मिड टर्म से सॉल्व करना है। तो जब आप इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म से सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे x प्लस वन और x प्लस थ्री। अब हमें इसके जीरो ऑफ द पॉइनोमियल निकालने हैं, क्लियर? जीरोस फाइंड करने हैं। तो इस माइनस का कोई रोल नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको इक्वल टू जीरो करना होता है। सो x प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एक बार x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सो x क्या आ जाएगा इससे? माइनस वन, और इससे x इक्वल टू माइनस थ्री। देखो जो साइन हमारा माइनस बाहर कॉमन है उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? उससे आपके जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? बताओ। हाँ यहाँ दिख रहा है, बट हमें ये सॉल्व करके निकालना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें पॉइनोमियल दिया हुआ था वहां पे। अगर पॉइनोमियल नहीं दिया होता तो हमें डायरेक्टली ग्राफ से देखना था, फिर रीचेक करना पड़ेगा हमें इसको सॉल्व करके। अगर आपको ये पॉइनोमियल गिवन नहीं होता तो ओनली ग्राफ के बेसिस पे बोलना होता तो हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते फिर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन सेवन, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बेटा? डी ऑप्शन, माइनस वन एंड माइनस थ्री आर द जीरोज। अब सेवंथ में भी ऐसी देखो, आपको क्या बोला है, एक पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोज एट माइनस वन एंड टू, जीरोज आपके पास माइनस वन एंड टू है। अब आपको निकालना है क्या, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट आप सबको बताए हुए है, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज चाहिए पहले। तो हमें देखो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, हमें यहां पर पॉलिनोमियल्स के जीरोज दिए हुए हैं। हम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं तो हमें वहां पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए, क्लियर? बिना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के पॉलिनोमियल नहीं बनाया जा सकता, क्लियर? और दूसरा तरीका है, बट सबसे बेस्ट वे आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बेसिस पे ही है। तो यहां पे पहले हमने सम ऑफ जीरोज निकाला, इन दोनों का सम क्या आएगा, माइनस वन एंड टू का वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, माइनस टू। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब हमारा फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हमें क्लियर पॉलिनोमियल बनाना है तो ये है आपका फॉर्मेट, क्लियर है सबको? ये चीज 2.2 में किया हुआ है। सो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज वन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस टू। पहले आपको ऐसे ही देखो ब्रैकेट की फॉर्म में ही डालना है, क्लियर? चाहे यहां पे भी ब्रैकेट बना दो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर इक्वेशन बना दो, तो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। क्लियर? जल्दबाजी नहीं करनी है, गेसिंग नहीं करनी है, फॉर्मेट जो है उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन एट्थ बेटा, क्वेश्चन एट्थ में द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। तो अब आपका होल कर्व अगर हम देखें तो हमने क्या बताया था एक्सरसाइज 2.1 में, जितनी जगह वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे यहाँ पे आपके, वन टू थ्री एंड फोर, ए पे कट कर रहा है, सी पे कट कर रहा है, ई पे कट कर रहा है और जी पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज आर फोर, क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन। क्लियर? नाउ नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। तो सी एंड जी के बीच में अगर हमें डायरेक्ट देखना हो, देखो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सी कहां पर है, माइनस वन पर है। यहां पे ऐसे ग्राफ जा रहा है आपका, ये माइनस वन है और ये सिक्स है आपका, सॉरी फाइव है, ठीक है? तो इसके बीच का डिस्टेंस बताना है,
तो डिस्टेंस अगर कभी भी आपको कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से निकालना हो तो आपको यूनिट्स काउंट करनी है। यहां से यहां तक एक यूनिट है, यहां जीरो से लेके पांच यूनिट है, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? सिक्स। तो डिस्टेंस कितना हो गया सी और जी के बीच में? सिक्स यूनिट्स। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है? डी, बी, बी। क्लियर बेटा सबको यहां तक? नाइन्थ क्वेश्चन तक कोई डाउट? क्वेश्चन टेंथ में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगेन आपको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने हैं। अब यहां पे अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट गिवन है आपको कितना? माइनस फाइव। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है? सिक्स। फॉर्मेट आपको पता है, अभी अभी बताया था, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, शॉर्ट फॉर्म बोल दिया हमने, सम के लिए एस और प्रोडक्ट के लिए पी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस फाइव। ये देखो बेटा, ये चीज ध्यान से करना, एक सिंगल स्टेप में करने की कोशिश मत करो। बनाओ, डाला हमने इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारा सिक्स, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। फाइव क्यों प्लस क्यों हो गया? क्लियर? कई बार आप जल्दबाजी में क्या करते हो, इस माइनस को भूल जाते हो, सीधे माइनस फाइव पुट कर देते हो और पूरा ऑप्शन ही आपका वहां से गलत हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए ऑप्शन। क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ रहे, तो ये देखो डायरेक्ट आप कर सकते हो ये चीजें, समझ गए? डायरेक्ट कहने का मतलब कि आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि सम पुट करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट पुट करना है। क्लियर? मैं इसलिए अभी पूरा करके दिखा रहा हूं आपको ताकि पैटर्न समझो, आप फिर डायरेक्टली पुट कर सकते हो। बट कंसेंट्रेशन इज द की, कि कौन सी चीज कहां पुट करनी है वो भी ध्यान से। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस। अगेन यही चीज है, तो क्या बनेगा पॉलीनोमियल बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री सम है और प्रोडक्ट क्या है? टू, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 11 का। आया समझ में? अब यही चीज अगर क्वेश्चन 12 में देखोगे तो क्या दिख रहा है अब आपको? अगर क्वेश्चन 11 के जैसा करने की सोचोगे तो गलत हो जाएगा। अब यहां पर हमें जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस आर क्या क्या है? थ्री एंड माइनस फोर। तो हमें क्या चाहिए? सम एंड प्रोडक्ट। तो सम क्या है आपका? सम क्या हो जाएगा इनका? थ्री और माइनस फोर का सम माइनस वन। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस ट्वेल्व। तो आपका जो पॉलीनोमियल है वो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स करते हैं, तो सम क्या है? माइनस है वन, तो माइनस माइनस प्लस वन नहीं लिखते हम कोफिशियंट में, ठीक है? प्लस एक्स और माइनस प्रोडक्ट, यानी कि प्लस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस ट्वेल्व। डायरेक्ट बना दिया है मैंने, फॉर्मूला यहां पर है आपका। क्लियर है सबको? अब एक ही के जैसे चार पांच क्वेश्चन करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा फॉर्मेट भी बेटा। क्लियर है सबको? अब तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना सकते हो अगर उसके जीरोस भी दिए हुए हैं या फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, क्लियर? कि क्या चीज आपको गिवन है वहां पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th में, अब 13 देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इंटू सी प्लस सी, सॉरी एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक दिया हुआ है, क्लियर? और यहां पर क्या बोला है? अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, एंड सच दैट कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है, क्लियर? ये गिवन है हमें, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है। और क्या फाइंड करना है अब आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर? तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस पॉलीनोमियल को हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा, सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज ब्रैकेट ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, क्लियर? क्यों किया ब्रैकेट ओपन? क्योंकि एक्स, अगर हमें देखो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। बी क्या होता है? सी क्या होता है?
तो हमें यहां पर हमेशा चाहिए होगा एक ए बी सी की फॉर्म में, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट दिखे, एक्स का कोफिशियंट दिखे और कॉन्स्टेंट टर्म दिखे, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा जो भी टर्म आपकी वहां पे है वो कॉन्स्टेंट है। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट? नाउ यहां पर हमें नहीं दिख रहा था एक्स का कोफिशियंट क्योंकि ये साथ में थे, क्लियर, इसलिए हमने ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने का रीजन ये हो गया। नाउ अब अगर हम देखें तो ए हमारा क्या है, वन, बी हमारा क्या है, माइनस पी, यानी ए वन क्यों है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन हो गया, बी क्या है, एक्स का कोफिशियंट दैट इज माइनस पी, सी क्या हो जाएगा आपका, माइनस पी प्लस सी। यहां तक क्लियर है? अब आप सबने पढ़ा हुआ चैप्टर टू में कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं, माइनस बी बाय सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो अल्फा और बीटा का सम किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए। तो अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो बी की वैल्यू क्या थी, माइनस पी, और ए की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा पी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाय ए। अब सी क्या है आपका यहाँ पे, माइनस पी प्लस सी, और ए क्या है, वन, तो ये माइनस पी प्लस सी रहेगा, डिनोमिनेटर का वन हमने हटा दिया। यहां तक क्लियर है? तो हमने अभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अपने लिए निकाल लिए, ठीक है। अब कोई बच्चे अगर पूछ रहे हो कि सर इसमें हमने जीरोस क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स है बेटा, वेरिएबल्स में हम जीरोस नहीं कर सकते, स्प्लिटिंग द वेल टर्म नहीं कर सकते यहाँ पे, क्लियर। नाउ दूसरी चीज, अब हमें ये गिवन था क्या, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाइड कर दें, खोल दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा को पहले दोनों से मल्टीप्लाई किया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा इंटू वन अल्फा, बीटा इंटू वन, वन इंटू बीटा बीटा, और वन इंटू वन वन इक्वल टू जीरो, ये हमें गिवन था, क्लियर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी प्लस सी, जो कि हमने यहां पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहां तक क्लियर हुआ बेटा, ध्यान से देख लो जो जो स्टेप्स हमने किए, क्लियर। नाउ क्वेश्चन में याद करो हमें पूछा क्या था, सी की वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें अगर हम देखें, माइनस पी प्लस पी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, सी प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो c इक्वल्स टू माइनस वन, तो फाइनली आपकी c की वैल्यू आ गई माइनस वन, क्लियर। क्वेश्चन 14th में बेटा क्या बोला हुआ है आपको, आपको एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, क्लियर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, क्लियर, और आपके पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब आपको वैल्यू बोली है फाइंड करने की, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्लियर। अब अगर आप इसे सोचो कि स्प्लिटिंग द मिड टर्म अप्लाई करें अल्फा एंड बीटा निकालने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्प्लिटिंग द मिड टर्म नहीं हो पाएगी। मल्टीप्लाई करने पे 28 चाहिए, ऐड करने पे 3 चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। बट हमें ये फाइंड करने के लिए बोला भी हुआ है, तो क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं है, तो कैसे करेंगे। अब हमने क्या किया, जो हमें फाइंड करना है उसका हमने एलसीएम लिया, क्लियर। तो एलसीएम क्या बन जाएगा, अल्फा इनटू बीटा, और यहां पे क्या जाएगा, बीटा, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको अल्फा से, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, बीटा प्लस अल्फा, और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा, मतलब आपको ये निकालना है तो ये पता होने चाहिए। अब ये क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के, तो वो तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, बी क्या हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा, क्लियर। एबीसी हमेशा इस फॉर्म में ऐसे लिख के भी दिखाना है आपको, तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी क्या है 3 और ए क्या है 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ये हो गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 7/4, क्लियर। अब इन दोनों को हम यहां अगर पुट कर दें तो हमारा निकल जाएगा दैट इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्या था, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा,
तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा सेम थिंग है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री बाय फोर अपॉन में सेवन बाय फोर। अब अपॉन के अपॉन में है फर्दर ये मतलब, ठीक है, तो इसको ध्यान से रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई में लाने के लिए, क्लियर, ये पूरा इससे डिवाइड हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई में लाए तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, फोर फोर कैंसिल आउट माइनस थ्री बाय सेवन, ये आ गया आपका इसका फाइनल आंसर जो हम निकाल रहे थे। क्लियर बेटा, आया समझ में, यानी बिना जीरोस फाइंड किए हमने वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा फाइंड कर लिया। तो ऐसे मोस्टली क्वेश्चंस में देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये स्प्लिटिंग द मिडटर्म हो जाए, बट अगर हमें ऐसी चीजें निकालनी है तो स्प्लिटिंग द मिडटर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से ऑब्टेंड कर सकते हैं। क्लियर।